यहाँ पे अपने को मिल जाती है बेस ट्यूब जो कि हमने आफ्टर मार्केट लगा रखी है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी स्टार्ट है अभी, बाकी जो स्पेस है इतना कुछ खास नहीं है, बेस ट्यूब के बाद कुछ भी स्पेस नहीं बचा है। नीचे आपको मिल जाएगी स्टेफनी। सो इसमें जो मैं बूट स्पेस बता रहा था वो है 175। तो यार आज मैं इसके कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि इसमें से कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि टायर यहाँ और कार यहीं तक ख़त्म। ऊपर से इसका जो अगर इसकी हम बात करें यार, तो ये 1.2 इंजन है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसमें स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। स्पेसिंग मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो मैं भी बता देता हूँ। स्पेसिंग का इसलिए मैं आपको पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन द लाइफ। यार आज हमारे पास है ये वाली कार, तो मैंने आपको दिखाया पिछली वीडियो में हमने इसका राइड रिव्यू चेक किया था। तो यार आज मैं इसके कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि हालांकि मैंने कुछ कुछ ऑलरेडी आपको डिस्क्लोज कर दिए थे राइड रिव्यू में। तो मैं इसका पहला प्रो मैं गिना देता हूँ आपको। तो इसका पहला जो मेरे को प्रो लगता है वो इसका पावर और परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, अगर आप एक यंग जनरेशन से हो, लाइक जिसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स पसंद है, तो आप इस पर जा सकते हो, हैचबैक, ठीक है, फर्स्ट प्रो। दूसरा प्रो मैं इसका ये बोलूँगा कि पावर टू वेट रेशियो होगा इनमें, इसके ऑलरेडी आपको एडवांटेज बता दिया है वो, चलो फर्स्ट में काउंट करते हैं। सेकंड प्रो मैं इसका ये बोलूँगा कि यार ये जो है ना बहुत ही निम्बल, बहुत ही एजाइल कार है। लाइक अगर आप एक कंजस्टेड उसमें भी रहते हो, लाइक दिल्ली ऐसी कंजस्टेड सिटी में भी रहते हो, तो आपको ये कार कभी भी निराश नहीं करेगी। लाइक बहुत ही स्लीकली कट हर जगह से कट जाती है, और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी 4.5 मीटर का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लाइक ट्रैफिक में भी, और अगर आप कहीं पार्क वार्क कर रहे हो तो भी। तो ओवरऑल जो इसकी हैंडलिंग है वो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है। चलो ठीक है, तीसरा बताता हूँ। ये मैं ऑलरेडी इसको मैंने राइड रिव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट किया है, ठीक है, तो आप राइड रिव्यू जरूर चेक करना। और यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्यों ऐसे कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी की भी लाइक मार दो, ठीक है। अगर आप ब्रियो या फिर होंडा फैन बॉय हो तो भाई आपको कसम है भाई होंडा की, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, अभी अपन ने ये कवर कर लिया कि यार इसका पावर और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि यार गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है और ओवरऑल जो सिटी के लिए आपको ड्राइविंग चाहिए होती है ना, वो निम्बल और एजाइल चाहिए होती है। सो कंजेस्टेड ट्रैफिक में भी आपको ये कभी निराश नहीं करेगी। लाइक बड़ी नहीं है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ हैचबैक है, पीछे से भी ज़्यादा कुछ है नहीं। लाइक मैं आपको एक भी दिखा देता हूँ। तो लाइक क्या होता है कि पीछे से बहुत लोगों के बॉडी किट बाहर निकल के आ रही होती है, हालांकि इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि टायर यहाँ और कार यहीं तक ख़त्म। ऊपर से इसका जो लाइक ये है व्हील बेस, वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, हालांकि बाकी हैचबैक के जितना ही है, बट स्टिल ओवरऑल अच्छी है, ओवरऑल निम्बल है कार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छी मैं किस मामले में करता है, हैंडलिंग में अच्छा है। ये अपना तीसरा पॉइंट होगा कि हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। आपको मैं इसकी जो स्टेबल है उसका एक मैं थोड़ा सा झलक देता हूँ। लाइक आप देख रहे होगा कि यार ऊपर से इतना और नीचे आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट होगा कि यार जो गाड़ी का जो नीचे से बेस है ना वो काफ़ी ब्रॉड है रेदर देन टॉप, तो जिससे कि गाड़ी को एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है रोड पर, और गाड़ी आसानी से लाइक ऐसे नहीं कि यार आप हाई स्पीड में हो और थोड़ा सा मोड़ा कटवट मारा तो आपको इशू है, नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत आता है। हैंडलिंग के मामले में मैं इसको बहुत ही तगड़ा रेट करूँगा, हालांकि थोड़ा सा वेट कम है तो वो एक इशू रहता है, बिकॉज यार अगर वेट थोड़ा इसका थोड़ा ज़्यादा होता तो मोमेंटम पकड़ता अच्छे से, लाइक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता और स्टिफ रहती गाड़ी, बट स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज अगर वेट कम है तभी आपको पावर टू वेट रेशियो अच्छा मिल रहा है, दैट्स द रीज़न कि यार इसकी जो परफॉर्मेंस है। तो कुछ कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो कुछ कुछ मिस भी होंगे, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है। तीन प्रो ये हो गए हैं, और यार मैं जो चौथा प्रो कह रहा था वो सबके लिए प्रो नहीं होगा, बट कुछ कुछ के लिए हो सकता है। लाइक अगर आप देखो तो यार ये लगती छोटी है, लाइक अगर आप देखा जाए तो ऑल्टो की लेंथ में लगती है, विड्थ हालांकि थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल अगर हम घुसेंगे ना तो इसमें लाइक स्पेस है वो अच्छा खासा है। लाइक मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, हालांकि गाड़ी लो है बट स्टिल आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार स्पेस कम है। तो स्पेस के मामले में मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि कम है, लाइक इतना भी ज़्यादा नहीं है बट उतना कम नहीं है जितना कि लोगों को दिखता है। तो मेरे साथ बहुत सारे इंस्टिंक्ट हुए हैं जिसमें यार बंदे कहते हैं छोटी गाड़ी स्पेस नहीं होगा, बट जब बैठते हैं तो कहते हैं स्पेस है। तो लाइक ये सबके लिए प्रो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने जो इसके मेन प्रो थे वो गिना दिए, बाकी एक होंडा का इंजन है वो जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ये एक बहुत बड़ा प्रो है। एक फुल एंड फाइनल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो इसका मैं एक एज ए फोर्थ सॉरी फिफ्थ प्रो मैं बता सकता हूँ, वो है इसका लाइक
मैं ऐसे हुड खोलता हूँ यार, गाड़ी गंदी बहुत हो रखी है तो ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। वो है यार इसका ये इंजन बे, अगर इसकी हम बात करें यार तो ये 1.2 इंजन है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसमें स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। स्पेसिंग मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो मैं भी बताता हूँ। स्पेसिंग का इसलिए मैं आपको पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि इसको मैं बंदी करता हूँ, ये 90 PS की पावर निकालता है, ठीक है। और फिगर्स मैं आपको दे दूँगा सो दैट आपको कोई भी ज़्यादा लाइक मेजर आपको गूगल पर सर्च ना करना पड़े। तो यार मैं ये कह रहा था कि इसका मैंने इंजन बे इसलिए दिखाया क्योंकि ये गाड़ी अगर ट्यून करी जाए तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल तक का इसका रिस्पॉन्स आएगा। अगेन मैं वही बात बोलूँगा क्योंकि इसका पावर टू वेट रेशियो अच्छा है, तो उससे होगा क्या लाइक अगर मैंने इंजन बे देख लिया तो मैंने एक बंदा देखा जिसने ब्रियो में 1.5 लीटर का होंडा सिटी वाला इंजन डाला है। और मैंने होंडा के डीलरशिप से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक हमें बोर बढ़ाना होगा इसमें जिससे कि ये 1.5 बन जाएगी और परफॉर्मेंस अल्टीमेट रिस्पॉन्स हो जाएगा 130 PS तक बिना किसी चीज़ की जाएगी। उसके बाद अगर आप इसमें टाइटेनियम बेंड पाइप डलवा दें और भी अलग अलग मॉड्स आते हैं, एयर फिल्टर चेंज करवा दें तो ये गाड़ी नेक्स्ट लेवल पहुँच जाती है, 180 BHP पहुँच जाती है, जो कि इसके हिसाब से बहुत ही लाइक अगर हैचबैक में आपको कोई भी 180 BHP मिल रही है जो कि लाइक वेट है 900 किलो और पावर निकाल रही है 180 BHP, तो वो बहुत ही एक अच्छा खासा लाइक मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन होगा जो कि आपको चेहरे पे स्माइल लाने के लिए जब भी आप चलाओ इनफ होगा, ठीक है। तो अभी के लिए यार मेरे पास इतना ही प्रो है। और एक फाइनल प्रो ये भी बोलूँगा कि यार इसके जो अलग ही खर्चे सभी के होते हैं, बट अगर हम देखा जाए कंपेयर करें और किसी चीज़ से तो इसके ज़्यादा उतने भी खर्चे हैं नहीं, ठीक है। हालांकि सबके लिए प्रो नहीं होगा बिकॉज गाड़ी लोगों तो खर्चे आएंगे ही, डिपेंड करता है आप कैसे रख रहे हो, कैसे कंडीशन में है कार, ठीक है। कौन मैं गिना दूँ तो मेरे को आज फिलहाल तो इतने कौन लगे नहीं, हालांकि एक दो कुछ लगता है कि यार बट गाड़ी लो है तो ये भी मेरे लिए प्रो ही है क्योंकि यार अच्छा खासा व्हील बेस के साथ साथ आपको गाड़ी लो मिलती है जिससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है। बस ये है कि यार डिग्गी नहीं है जो कि यार अगर मैं सही मायने में बोला जाऊँ तो एक ऐसा कुछ खास इफेक्ट डालेगा नहीं, खास इफेक्ट इन द सेंस कि यार सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है, सबको जो भी सबका पर्पस होता है कार ओन करने का वो अलग होता है। सो लाइक हमारा यही था, हमें ज़्यादा लोग इतना चलने लाइक हमको हमारा ज़्यादा कम्यूट नहीं होता है और इतना यूज़ भी नहीं होता गाड़ी का, जस्ट फॉर लाइक कभी फैमिली इधर उधर जा रही है कोई भी लाइक आप समझ सकते हो फंक्शन वंक्शन में तो हाँ तो सब लोग चले जाएँ, तो एक यही मोटो था। और बाकी एक कार है तो ऑब्वियसली कोई भी यूज़ हो सकता है ऐसे आप समझ रहे होगे, तो इतना कुछ एज अ मेजर इशू था नहीं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यार ये वर्थ इट लगती है मेरे को, ठीक है। फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ कौन बताऊँगा नहीं, डिग्गी मैंने बता दिया, बूट स्पेस थोड़ी कम है, ठीक है। और हाँ एक कौन जो मुझे लगता है वो मेरे को बहुत ज़्यादा रोज़ खटकता है वो इसकी लाइक अगर मैं कहूँ ना तो इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत हो रखी है। कॉस्ट कटिंग इन द सेंस यार सिंपल लेवल का इसमें लाइक इंटीरियर भी इंटीरियर हालांकि अच्छा है, मैं ऐसा नहीं करूँगा बुरा है, बट हाँ जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी हमको लगती है कि कम मतलब बिल्ड क्वालिटी में मैं इसकी डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा चीप टाइप का मटेरियल लगता है। हालांकि मैं फिर से ही बोलूँगा कि यार बिल्ड क्वालिटी पे मैं कोई इसकी डाउट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है लाइक कॉस्ट कटिंग मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट कटिंग करी गई है। लाइक अगर हम ये भी देखा जाए तो बूट स्पेस कम करी है, वेट रिडक्शन इसलिए हुआ है जो कि ऑब्वियसली मैं आपको ये कहूँगा कॉस्ट कटिंग है। लाइक अगर हम इसमें डालना चाहें ना फीचर तो इसमें बहुत सारे फीचर डाल सकते थे उस टाइम की बात है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़े से फीचर्स आपको कम मिलते हैं, ये तो बेस वेरिएंट है, हालांकि आप टॉप वेरिएंट भी ले लोगे तो अभी के मार्केट के हिसाब से उसमें ऑब्वियसली कम ही फीचर मिलेंगे। तो हालांकि अगर हम उस टाइम की भी बात करें तो उस टाइम भी इसके अंदर थोड़े से फीचर्स की कमी थी और थोड़ी सी मुझे जो लगता है ना लाइक पैसे बचाने की कोशिश करिए, जितने से कम पैसे लगे ब्रियो को बनाने में उतने में बना दो, तो वो मुझे इसका एक पॉइंट लगता है। लाइक प्लास्टिक की क्वालिटी हो गई, डोर में हालांकि डोर का जो ये मेटल है वो अच्छा है दमदार है, बट प्लास्टिक है वो थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, लाइक कहीं भी अगर आपको देखी जाए ना तो कहीं भी लाइक लेदर की कुछ वो नहीं दिया है, ये भी सब सिंपल है, सिंपल एंड सोबर है। तो थोड़ा जो जिसको फीचर पसंद है तो उसको ये थोड़ा सा एक कॉन लगेगा, हालांकि पहले मेरे को फीचर पसंद थे इसलिए कॉन लगता था, अब तो यूज्ड टू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन सी यू बाय। और एक सेकंड एक चीज़ भूल गया, अगर आपके पास होंडा ब्रियो और आपको कोई भी प्रोज एंड कॉन्स उसके रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। फिलहाल इतना ही, टिल देन सी यू बाय, टेक केयर।